वसीम साहब, गुड मॉर्निंग। नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं आपको। आज तो माँ कुष्मांडा का दिन है। आज बाजार पर आपका क्या व्यू है सर, क्योंकि थोड़ी सी ना ग्लोबल टेंशन हल्की सी बढ़ती हुई दिख रही है, जरा उसकी कॉन्टेक्स्ट बताइए कि भारतीय बाजारों की चाल कैसी होगी और अपने शेयर बताइए कहाँ पर आपकी नजर है। गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको और आपके व्यूअर्स को और सबको फिर नवरात्रों की शुभकामनाएं। तो देखिए, एक तरफ तो ग्लोबल टेंशन रहेगी और उसके ऊपर ना मेरा ना आपका ना किसी का विश्व में हाथ है और या कोई कंट्रोल है, लेकिन एक बात पॉजिटिव है कि फॉरेन सेलिंग हैज एक्चुअली एग्जॉस्टेड और मे बी कम टू अ हॉल्ट, और एज अ डेस्टिनेशन इंडिया बिकम्स वेरी गुड रेसिपिएंट ऑफ फ्लोस, और मुझे लगता है यहाँ से शेयर बाजार ऊपर ही जाएगा। मैं आपको यहाँ दावे से कहता हूँ, अगले हफ्ते अगले बुधवार को शायद 20,000 के दर्शन जरूर हो जाएंगे, और उससे भी ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक आउट परफॉर्मेंस। कहाँ देखिए, पीएसयू, कोल इंडिया न्यू हाई, कुद्रेमुख आयरन ओर, एनएमडीसी, तो मार्केट एक डिसर्निंग है। सिर्फ इंडेक्स पे नजर ना डालिए, और वहां पे भी एचडीएफसी बैंक के नंबर मेरे को तो बहुत शानदार लगे। लॉन्ग टर्म पिक पोजिशनल पे मेरा एचडीएफसी बैंक टॉप पिक है। मैंने पहले भी कहा रिलायंस और एचडीएफसी बैंक इस भाव पे बहुत अट्रैक्टिव है। रिलायंस ने कल स्टार्ट कर दिया, आज एचडीएफसी बैंक में आज या कल में मूवमेंट जरूर आएगा। 1750 का टारगेट है, 1480-85 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन ये क्वालिटी पोजिशनल पे है। मैंने कल प्रियंका को इंट्राडे में एलएनटी फाइनेंस दिया था, दो दिन तीन दिन पहले 5050 में बजाज ऑटो दिया था, 5200 का टारगेट वो हो गया, जीएनएफसी चंबल हो गया और एसबीआई लाइफ, ये चारों मेरे पोजिशनल प्ले इंट्राडे थे जो हो चुके हैं। आज मेरा टॉप पिक होएगा दीपक नाइट्राइट। देखिए, फिनॉल और एसिटोन प्राइसेस हैव करेक्टेड फ्रॉम 25 rupees a kg टू 15, और मुझे लगता है यह जियोपॉलिटिकल टेंशन से फिर में इनमें स्पर्ट आना शुरू हो गया है, और मुझे लगता है दीपक नाइट्राइट इज अ मोनोपोली प्ले ऑन दैट दैट एंड एसआरएफ आर टू ऑफ माय बिग पिक्स। एसआरएफ पोजिशनल प्ले है 2750 का, दीपक नाइट्राइट अगले हफ्ते तक मुझे 2250 का टारगेट है, और आप 2170 का स्टॉप लॉस रखिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको मैं मुझे यहाँ पे एसआरएफ जैसे मैंने आपको कहा, उसके अलावा मुझे एसबीआई कार्ड पे रीट्रेड करता हूँ। एसबीआई कार्ड हैज जस्ट गिवन अ ब्रेकआउट अबव 808, अगर ये एक दिन और सस्टेन हो गया तो 850 आपको नेक्स्ट वीक तक एसबीआई कार्ड पे दिख सकते हैं। मॉर्निंग संजीव जी, बिल्कुल ये बेहतरीन पिक्स। हम यूएस को एक बार फिर से याद दिला दें कि ये जो आपने सारी पिक्स दी थी उसमें चंबल में भी, अब एक चंबल हुआ, जीएनएफसी हुआ, बजाज ऑटो में पार्शियल प्रॉफिट बुक की सलाह, एसबीआई का आज आपने दीपक नाइट्रेट ऐड किया, और कल भी आपकी कन्विक्शन थी दीपक नाइट्रेट पे। टॉप पिक्स में एचडीएफसी बैंक, लेकिन संजीव जी मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी कि जिस तरह से पीएसयू स्पेस के कुछ स्टॉक्स जिनमें इतने बड़े वॉल्यूम है, इतनी तेजी से इसमें मूवमेंट दिख रही है, चाहे वो एमएमटीसी जैसे काउंटर हो, एसटीसी, आईटीआई और इनमें KIOCL जैसे काउंटर्स हो, 40% से दो दिन में भाग गए, फ्री फ्लोट इनका कम है, बहुत प्रॉफिटेबल ये कंपनियां नहीं है, इनमें ऑफकोर्स रिटेल इन्वेस्टर एक बार के लिए तो कॉशस होना चाहिए ना, लेकिन जिस तरह की मूव दिख रही है वो फंस भी उसी तरह से सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे स्पेस को, क्या इस वक्त एडवाइस रहेगी रिटेल इन्वेस्टर्स को? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, देखिए पहली बात तो मैं बहुत ही बड़ा इंडियन पेट्रियट हूँ आपकी तरह या सबकी तरह और डिप्पी की तरह खासकर, तो मैं तो पीएसयूज को आई लव देम फ्रॉम द मेनी मेनी इयर्स। आपको मैं बताऊं, मैंने 7-8 साल फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावणकोर को रखा, 35-40-50 कुछ भी नहीं करता था ये शेयर, इनफैक्ट जो भाव लेता था नीचे आ जाता था। आज आपको अचंबा आएगा, 725 का भाव हो गया है फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावणकोर। अब कुछ अर्निंग्स, कुछ शेयरों के भाव ऑब्वियसली बहुत अपने प्राइम से बढ़ गए हैं, बट दैट टेल्स यू के ओनरशिप नहीं है। म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस इज बीन एब्सिमल बिकॉज यू आपके पास थे ही नहीं पीएसयू, यू हेटेड देम, चाहे बैंक्स थे, चाहे डिफेंस थे, चाहे रेलवे थे, चाहे सो पीएसयूज आर जस्ट कमिंग ऑफ एज। यस, आपकी बात सही है कि उनकी वैल्यूएशन में, क्योंकि आपको रनअप अच्छा लगता है, लेकिन उनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एब्सिमल थी एट दोज लेवल्स इन द लास्ट 7-8 ईयर। दिस इज जस्ट दी अनडूइंग। आज देखिए कुद्रेमुख आयरन ओर कहां से कहां पहुंच गया, और हाँ उनके फ्लोटिंग स्टॉक्स भी कम है, इस कारण से मार्केट की थोड़ी डिसर्निंग हो सकती है, बट आई स्टिल थिंक अनलॉकिंग ऑफ पीएसयू वैल्यूएशन इज ऑन द कार्ड्स बिकॉज ऑफ अंडर ओनरशिप, और मुझे कोई दो राय नहीं, दिस डिकेड हैज बिलोंग टू पीएसयू, और जिस तरह की सरकार की नीति हुई है कि दे हैव बीन लेटिंग देम रन मोर ऑटोनोमसली, दैट विल बी इवन मोर पॉजिटिव फॉर देम। आदित्य कौन? ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया।